हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मम्मी के घर आई हुई हूँ और देख सकते हैं हो रही है बर्थडे की तैयारी। तो यहाँ पर जो है साफ सजावट हो रही है, डेकोरेशन हो रही है। इस तरह का जो है डेकोरेशन है, ब्लैक एंड गोल्ड भी जो भी है। और यहाँ पर ये बलून फुलाकर जो है तैयार किए जा रहे हैं और फिर जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अभी सही से नहीं हो पाई है, जब सही से पूरी हो जाएगी तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह की डेकोरेशन हुई है और पूरा होने के बाद जो है किस तरह का लग रहा है। और नीचे घर की हालत देखिए आप, ऊपर जो है डेकोरेशन हो रही है और नीचे पूरा जो है किस तरह का जो है एकदम पूरा फैला पड़ा है। क्या हो गया, क्या हो गया? यहाँ पर बैठी हुई है मम्मी। ये आटा जा रहा है ऊपर छत पर, छत पर जो है लगे हुए हैं हलवाई, तो उन्होंने आटा मंगाया है। तो आटा जा रहा है ऊपर पूड़ियां वगैरह बनने के लिए और सब्जी बन गई है। और अभी ऊपर भी चलेंगे, देखेंगे कि ऊपर जो है क्या क्या तैयारी हुई है। और यहाँ पर जो है काफी शोर शराबा हो रहा है, तो प्लीज उसको जो है इग्नोर कर दीजिएगा। सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो वो ही जो है ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। देखिए अब तो मैं ऐसे ही पहुंचा दूं मम्मी। ये कहाँ पे लगेगा? इधर मेरी गेट पे। अब इतना टाइम थोड़ी अंदर बस इतना ही अंदर इतना सा और इतना बड़ा बाहर लगाएंगे बलून तो ठीक है। ये लगाएंगे मेन गेट पर, कितना सुंदर लग रहा है देखिए। ताजी। अंदर की जो डेकोरेशन है वो भी पूरी नहीं हुई है, हो जाएगी तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि ऊपर जो है क्या क्या हो रहा है, कैसी ऊपर तैयारी चल रही है, क्या क्या जो है बन गया है। और कपड़े वगैरह सब मैं ले ही आई हूँ, वो सब जो है आपके साथ मैंने शेयर कर ही दिया है जो भी मुझे लाना था। शिवी कहाँ है? शिवी हमारी बर्थडे गर्ल है, वो सो रही है, तो वो आपसे मिलवाऊंगी, उसे मिलवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है छत का और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है चावल बन गए हैं, साथ में छोले की सब्जी, सूखी सब्जी और रायता, ये सारी चीज़ें बन गई हैं। और बस खाने में यही सब था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस छोले की सब्जी थी, चावल थे और बथुआ और बूंदी का रायता था, साथ में मिक्स सब्जी थी और वाइट वाले जो रसगुल्ले होते हैं छेना वाले वो थे और पूड़ी। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनवाया था, बस यही सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर सब्जियाँ और चावल बनकर तैयार हो गए हैं। सूखी सब्जी जो है भतीजे ने शूट नहीं की, ये जो है भतीजा ही शूट कर रहा था ऊपर, मैं नीचे थी। यहाँ पर बस पूड़ी बनने की तैयारी हो रही है। अब ठीक है, बस बंद हो गया। पानी लेके नहीं आई? पानी लेके बाकी बाकी मुझे में वासन लगी छह गिलास में लगी काम लगी एक गिलास छोटे से गिलास में लिया जल्दी। निमंत्रण तो लगवा दिया होगा, तो फ्रेंड्स, पूड़ी बनने से पहले जो है हमारे यहाँ भट्टी पूजन का जो है कुछ रिवाज है, तो बस वही मैं कर रही थी। तो जो भट्टी पूजन होती हैं वो बुआ करती हैं, तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। वैसे हमेशा मेरी बुआ करती आई थी, बट आज जो है बुआ नहीं आई थी, तो फिर मैंने ही कर दिया था।
और कुछ इस तरह की घर की डेकोरेशन है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर हम लोग हो रहे हैं रेडी, अब जो है केक कटिंग का टाइम हो रहा है तो सभी लोग रेडी हो रहे हैं। घर की डेकोरेशन वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी अच्छी लग रही है। और हिमानी दिसू ने ही की है और यहाँ पर आप हस्बैंड को देख सकते हैं किस तरह से जो है कर रहे हैं। तो सभी लोग बस तैयार होकर आ गए हैं, बस अब जो है जो भी रह गए हैं तैयार हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो भी केक कटिंग वगैरह का प्रोग्राम होता है वो होगा। और जो है गेस्ट वगैरह भी थोड़े थोड़े कर आ रहे हैं, तो जैसे ही मेन जो गेस्ट हैं वो सब आ जाएंगे तो केक कटिंग का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बाबू और कंकु डांस कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग चल रहे थे तो इस वजह से जो है मैंने वॉइस ओवर अलग से किया है, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता। तो हिमानी और ये जो है हिमानी गई थी अभी, और यहाँ पर बाबू और कंकु दोनों ही डांस कर रहे हैं। और ये है हमारी बर्थडे गर्ल, देख सकते हैं, तो ये भी जो है डांस कर रही है, सॉन्ग चल रहे थे तो। और इसका ड्रेस आप देख सकते हैं, ये जो है मेरा भाई ही लाया था, उसे इस तरह के ही कपड़े अच्छे लगते हैं, फ्रॉक वगैरह उसे अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो जो है बर्थडे के लिए यही सूट लेकर आया था और काफ़ी बढ़िया भी लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो सॉन्ग चल रहे थे तो यहाँ पर देख सकते हैं वो भी जो है डांस करने लगी थी, और अभी जो है चल नहीं पाती है, खड़ी हो जाती है बट कभी कभी जो है गिर जाती है, सही से खड़ी नहीं हो पाती है। कंकु थी वो जल्दी चलने लगी थी बट ये अभी नहीं चली है, कुछ दिनों में जो है चलना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा जो है पैर बढ़ाने लगी है। तो यहाँ पर धीरे धीरे आप देख रहे हैं गेस्ट भी आना स्टार्ट हो गए हैं, और शिवी भी रेडी है। भतीजी मेरी जिसका बर्थडे है उसका नाम शिवी है, तो वो भी रेडी है, और गेस्ट भी जो है धीरे धीरे आने लगे हैं, तो बस और एक दो मेन गेस्ट रह गए हैं, जैसे ही वो आ जाएंगे तो सब कुछ जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरे भाई का दोस्त है, उसका बेटा था, तो सॉन्ग चल रहे थे तो वो भी यहाँ पर डांस करने लगा था। और ये व्लॉग जो है आपके पास आने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि काफ़ी सारे व्लॉग हो गए थे, शॉपिंग का अलग हो गया था, मेरा यहाँ आने का अलग हो गया था, तो सभी जो है मैंने शूट किए थे, तो एक एक कर आ रहे हैं, और वहाँ पर मुझे टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी शूट करने का, क्योंकि शॉपिंग वगैरह में और प्रोग्राम में ही बिज़ी रही थी, तो इस वजह से व्लॉग थोड़े लेट हो गए हैं, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी जो है धीरे धीरे से आ रहे हैं, और छोटी वाली भाभी वो आप देख रहे हैं ब्लैक साड़ी पहने हुए हैं नेट की, उन्हीं की बेटी का बर्थडे है तो उनके भी गेस्ट आ गए हैं, वो रूम में बैठे हुए हैं, और सभी के जो है गेस्ट आ रहे हैं, तो बस जैसे ही सब आ जाएंगे तो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा जो है लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं था, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, बट फिर भी जो मेन थे उनको बुलाया था। और यहाँ पर ये मैं बैठी हूँ, मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई थी जो मुझे मौसी के यहाँ मिली थी, आप सभी के साथ मैंने शेयर की थी, बात में मुझे मिली थी, तो हल्की सी थी तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ, तो काफ़ी कम्फर्टेबल लग रही थी मुझे। और ये बैठे हैं हमारे अभी बाबू, अब देख सकते हैं अभी का क्या था ना, यहाँ पर बलून्स को देखकर इतना डर रहा था, ये इतना डर रहा था, जरा भी अगर कहीं बलून फूट जाता था, जो बलून लगे हुए थे वो अचानक से फूट जाते थे लगे लगे, तो एकदम से बहुत तेज़ रोने लगता था। तो इसने जो है मुझे सही से वीडियो शूट भी नहीं करने दिया, ज़्यादातर जो व्लॉग है हिमानी दिसू ने ही शूट किया है। और यहाँ पर जब तक गेस्ट आ रहे थे तब तक सबने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा डांस वगैरह कर लेते हैं, तो यहाँ पर डांस होने लगा था, मेरी जो भाभी हैं छोटी वाली बड़ी वाली सब लोग जो है डांस कर रहे थे और मुझे भी खींच रहे थे, बट मुझे डांस नहीं आता है तो मैं नहीं कर रही थी। और डांस करते करते एकदम से जो है पापा आ गए थे ऊपर छत से नीचे किसी काम की वजह से, तो फिर जो है पापा को देख कर एकदम से सब लोग जो है शांत हो गए थे। दादी हम नकली।
बच्चा है सोए दीदी बच्चा दीदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है केक कटिंग वगैरह हो गया है और वो वाला क्लिप पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने यहाँ आकर जब एडिट करने बैठी तो देखा जो बीच का क्लिप है वो गायब है। अब पता नहीं वो बना ही नहीं है या फिर वो डिलीट हो गया है, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने घर पर चेक नहीं किया, यहाँ इटावा ही जब मैं एडिट कर रही थी तब मैंने देखा तो केक कटिंग वगैरह सब हो गया था। उसके बाद कुछ फ़ोटो वगैरह कराए थे सभी ने और फिर अब सभी लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए ऊपर, और जो मोहल्ले के लोग थे वो सभी खाकर चले गए हैं। अब यहाँ पर जो गेस्ट हैं बस वही लोग खाना खा रहे हैं। तो दिसु यहाँ पर कर रही है शूट, और ये बगल में जो बैठा हुआ था वाइट शर्ट में, ये मेरी बुआ जी का बेटा है। तो बुआ जी नहीं आई थी, यही आया था। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, आप देख रहे हैं खाना खा रहे हैं ऊपर ही। और इस टाइम पर जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था, सभी लोग एक साथ बैठे थे, काफ़ी मस्ती चल रही थी और खाना पीना सब हो रहा था। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।